नमस्कार दोस्तों, गरिमा आईएएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन इतिहास को, और प्राचीन इतिहास के अध्ययन के क्रम में हम लोग अध्याय 14 के भाग 8 तक के वीडियो को देख चुके हैं। आज हम लोग अध्याय 14 के ही भाग 9 वाले वीडियो को देखेंगे, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं मुख्य रूप से गुप्तों का औन्नति काल को लेकर, यानी गुप्त वंश का वह कौन सा अंतिम शक्तिशाली शासक था इसके बारे में जानेंगे। उसका नाम था फ्रेंड स्कंदगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था स्कंदगुप्त। और उसके बाद क्या होता है कि गुप्त वंश का जो शासक आते हैं वे कमजोर होते हैं, उतने मजबूत नहीं होते हैं। कहने का मतलब यह है कि गुप्तों का औन्नति शुरू हो जाता है। जो साम्राज्य फल फूल रहा था, काफी विस्तृत भूभाग पर उनका साम्राज्य फैला हुआ था, अब वह सिकुड़ने लगता है। तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो स्कंदगुप्त अंतिम शक्तिशाली शासक था गुप्त वंश का, यह ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो भी शासक आते हैं वे थोड़े से कमजोर होते हैं, और उन्हीं के काल में औन्नति काल शुरू हो जाता है गुप्तों का। तो पुरुगुप्त सबसे पहले आता है, चलिए हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद सबके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग जानेंगे और अंत में हमारा वीडियो समाप्त होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप प्राचीन इतिहास का पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप लोग वहां से पूरे प्राचीन इतिहास को चेक करते आइए, देखते आइए, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, या आप लोग प्लेलिस्ट को सर्च करिए, खोज सकते हैं जाकर। प्लेलिस्ट में प्राचीन इतिहास या एंशेंट हिस्ट्री दोनों लिखा हुआ होगा, उसी प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेगा। आइए अब अपने मुख्य बिंदु पर आते हैं। तो मैंने जैसा बताया फ्रेंड्स कि गुप्त वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक स्कंदगुप्त था, ये चीजें आप सभी को पता होगा। उसी के उत्तराधिकारी कौन कौन होते हैं उसी के बारे में जान लेते हैं। तो उसके बाद पुरुगुप्त आता है, इसका उत्तराधिकारी कुमारगुप्त द्वितीय, इसका उत्तराधिकारी बुधगुप्त, उसके बाद नरसिंहगुप्त, उसके बाद भानुगुप्त, उसके बाद वैन्यगुप्त, उसके बाद कुमारगुप्त तृतीय, और अंत में विष्णुगुप्त आता है। विष्णुगुप्त जो होता है फ्रेंड्स, यह अंतिम शासक होता है गुप्त वंश का, यह अंतिम है, इसीलिए इसके बारे में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। विष्णुगुप्त के बारे में पूछा जाएगा कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आप लोग याद रखिएगा विष्णुगुप्त। अब आइए एक एक करके सबके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले पुरुगुप्त के बारे में जानेंगे, लेकिन पुरुगुप्त के बारे में जाने उससे पहले इनका शासनकाल की अवधि देख लीजिए, 467 ईस्वी से लेकर 476 ईस्वी तक इनकी शासनकाल की अवधि रही है, ध्यान रखिएगा। अब आइए इस थोड़ा सा डायग्राम को समझ लेते हैं, इस ग्राफ को, उसके बाद अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। फ्रेंड्स, कुमारगुप्त प्रथम के बारे में आप सभी जानते होंगे, काफी प्रतापी शासक हुए हैं गुप्त वंश के। इनके दो पुत्र हैं, दो अलग अलग बीवियों से दो पुत्र जन्म लिए हैं, दो अलग अलग बीवियों से दो पुत्र जन्म लिए हैं, एक स्कंदगुप्त था और एक पुरुगुप्त। तो सौतेला भाई था, ये दोनों सौतेले भाई थे। स्कंदगुप्त का जो सौतेला भाई था उसका नाम पुरुगुप्त था। स्कंदगुप्त को ऐसे बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं फ्रेंड्स, यह शासक बना था कुमारगुप्त के बाद। स्कंदगुप्त के बारे में बहुत सारे इतिहासकार यह कहते हैं कि यह संतानहीन था, यानी इसका कोई बाल बच्चा नहीं था, और इसी के कारण क्या होता है कि उसका सौतेला भाई पुरुगुप्त शासक बनता है, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन इन दोनों की माँ अलग अलग थी, ध्यान रखिएगा। भित्री मुद्रा लेख है फ्रेंड्स, भित्री कहाँ पर पड़ता है, तो गाजीपुर उत्तर प्रदेश में, वहीं से एक मुद्रा मिला है, सिक्का मिला है, उसी पर लिखा गया है पुरुगुप्त के पत्नी के बारे में और माता के बारे में, एक सिक्का मिला है जिसका नाम है भित्री मुद्रा लेख। उसमें पुरुगुप्त की माता का नाम महादेवी अनंत देवी लिखा हुआ है, महादेवी अनंत देवी, और पत्नी का नाम चंद्र देवी लिखा हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप लोग को अच्छे तरीके से चीजें समझ में आ रहा होगा, कुछ खास नहीं है। यहाँ पर मैंने कुछ चीजें लिखा है नोट में, जरा ध्यान रखिए। पुरुगुप्त के शासनकाल में गुप्तों का औन्नति प्रारंभ हो गया, इसी के काल में फ्रेंड्स गुप्तों की जो औन्नति है, औन्नति का मतलब गिरावट होता है, साम्राज्य में गिरावट धीरे धीरे देखने को, उन्नति का मतलब चढ़ाव होता है, ऊपर की तरफ बढ़ना, हर तरीके से उनके साम्राज्य में वृद्धि, शांति में वृद्धि, हर तरीके से फलना फूलना, उसी को उन्नति बोलते हैं, और उसमें जब ह्रास होता है, गिरावट होता है, उसको औन्नति बोलते हैं। ये चीजें आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आइए कुमारगुप्त द्वितीय के बारे में जान लेते हैं। तो पुरुगुप्त का उत्तराधिकारी था फ्रेंड्स यह कुमारगुप्त द्वितीय। सारनाथ के गुप्त संवत यानी 154 अर्थात 473 ईस्वी का उसका लेख मिलता है, जो बौद्ध प्रतिमा पर खुदवाया हुआ है, यह ध्यान में रखिएगा। ईस्वी क्यों लिखवाया गया है, गुप्त संवत है, गुप्त संवत जो चलाया गया था फ्रेंड्स, आपको मैंने बताया था कि चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलाया था, कब चलाया था, तो 319 BC में चलाया था, 319 BC,
यानी 319 में मान लीजिए चला रहा है तो उस समय 1 ईस्वी वन गुप्त संवत शुरू होगा, 319 वन गुप्त संवत, 320 दो गुप्त संवत, 303 आपको 320 के बाद 21 वो होगा तीन गुप्त संवत, इसी तरीके से आगे बढ़ता है। तो यह 154 दिख रहा है, इसमें 319 जब ऐड कर दीजिएगा तो आपको वर्तमान समय निकल जाएगा, ये चीजें ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट है, सारनाथ लेख में ही भूमि रक्षति कुमारगुप्त उत्कीर्ण मिलता है, यानी भूमि का रक्षा करने वाला, तो ये ध्यान में रखिएगा, यह भी पूछा गया प्रश्न है इसलिए मैंने इसको शामिल किया हुआ है। आइए बुधगुप्त के बारे में जान लेते हैं, यह भी काफी इंपोर्टेंट है। दामोदरपुर ताम्रपत्र में उसे परम भट्टारक महाराजाधिराज कहा गया है, परम भट्टारक महाराजाधिराज, यह काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। किसको कहा गया है, तो बुधगुप्त को। कहां पे कहा गया है, तो दामोदरपुर ताम्रपत्र लेख में, ध्यान रखिएगा यह पूछा गया है प्रश्न इसलिए मैंने इसको भी शामिल किया हुआ है, इंपोर्टेंट है। स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों में बुधगुप्त सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था, समझ लीजिए जो स्कंदगुप्त के जो भी उत्तराधिकारी हुए हैं, जिसमें हम लोग ऊपर से नीचे तक देख के आए, पूर्वगुप्त था, यहाँ पर देख लीजिए कुमारगुप्त द्वितीय, यहाँ पर हो गया पूर्वगुप्त, ये लोग काफी कमजोर शासक थे, लेकिन सबसे शक्तिशाली शासक उसके उत्तराधिकारियों में सबसे शक्तिशाली शासक जो था फ्रेंड्स, उसका नाम था बुधगुप्त ही, ये चीजें ध्यान में रखिएगा। स्वर्ण यानी सोने के सिक्कों पर उसकी उपाधि श्री विक्रम मिलती है, श्री विक्रम लिखा हुआ मिलेगा इसकी उपाधि के बारे में, बुधगुप्त के बारे में। बुधगुप्त बौद्ध मतानुयायी था, यह भी ध्यान में रखिएगा। अब आइए बात कर लेते हैं नरसिंह गुप्त के बारे में, जिसने बालादित्य के नाम से भी जाना जाता है, यह काफी इंपोर्टेंट है, नरसिंह गुप्त या बालादित्य, यह बुधगुप्त का छोटा भाई था, ध्यान रखिएगा, जो बुधगुप्त के मृत्यु प्रांत शासक बना, बुधगुप्त की जब मृत्यु हो गई तो यह शासक बनता है। तो जानते हैं आप लोग बुधगुप्त बौद्ध मतानुयायी था, तो उसका भाई भी बौद्ध मतानुयायी होगा, यह भी बौद्ध मतानुयायी था नरसिंह गुप्त, बालादित्य के नाम से भी जिसे जानते हैं। एक हूण नरेश था फ्रेंड्स, मिहिरकुल, वह क्रूर व अत्याचारी शासक था, इसने मगध के शासक बालादित्य पर आक्रमण किया, परंतु पराजित हुआ और बंदी बना लिया गया, बालादित्य अपनी माता के कहने पर उसे मुक्त कर दिया। कितना अच्छा यह शासक था बताइए, हूण नरेश जो आक्रमण किए हुए था मगध पर यानी गुप्त साम्राज्य पर, उसको पराजित किया और उसे बंदी भी बना लिया, लेकिन यह नरसिंह गुप्त यानी बालादित्य अपनी माता के कहने पर उस हूण शासक को रिहा कर दिया, तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नरसिंह गुप्त बौद्ध मतानुयायी था, ये भी चीजें आप लोगों को समझ में आया होगा। नरसिंह गुप्त ने बौद्ध विद्वान वसुबंधु की शिष्यता ग्रहण की थी, यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है इसे आप लोग याद रखिएगा। नरसिंह गुप्त ने किस बौद्ध विद्वान से शिष्यता ग्रहण की थी, तो वसुबंधु से, वसुबंधु, तो चीजें ध्यान रखिएगा। नालंदा मुद्रा लेख में नरसिंह गुप्त को परम भागवत कहा गया है, परम भागवत की उपाधि बहुत सारे शासक गुप्त वंश में लिए हुए हैं, आप लोग को मैंने पीछे पढ़ाया हुआ ही है। अब आइए भानुगुप्त के बारे में देख लेते हैं, भानुगुप्त का एक एरन अभिलेख है, काफी इंपोर्टेंट है, एरन मध्य प्रदेश में पड़ता है, ध्यान में रखिएगा। तो भानुगुप्त के एरन लेख में मिला है, इसमें गोपराज नामक सैनिक के पत्नी का प्रथम सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। कहने का मतलब यह है फ्रेंड्स कि जो भानुगुप्त शासक था, इसने एक बार हूण राजाओं का आक्रमण हुआ था इसी के समय में, और भानुगुप्त की तरफ से का एक सैनिक था जिसका नाम था गोपराज, वह लड़ा हुआ था और उसकी मृत्यु हो गई थी, भानुगुप्त का जो सैनिक था गोपराज, उसकी मृत्यु हो गई थी और इसका विवाह भी हुआ था, तो उसकी पत्नी जो थी फ्रेंड्स, उसका प्रथम सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य इसी से मिलता है, मतलब इसी के बारे में मिलता है, गोपराज नामक सैनिक की जो पत्नी थी उसी के बारे में मिलता है प्रथम सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य। यानी वह सती प्रथा क्या होता था, जब पति मर जाता था फ्रेंड्स, तो उसकी पत्नी को चिता पर जिंदा जला दिया जाता था, उसी को कहा जाता था सती प्रथा हो गई। उसके बाद फ्रेंड्स वैन्यगुप्त, इसके बारे में ज़्यादा जानकारियाँ उपलब्ध नहीं होती है। उसके बाद कुमारगुप्त तृतीय, इसके बारे में भी ज़्यादा उपलब्ध जानकारियाँ प्राप्त नहीं होती है। उसके बाद विष्णुगुप्त है, इसके बारे में भी ज़्यादा जानकारियाँ उपलब्ध नहीं होती है। विष्णुगुप्त के बारे में 550 ईस्वी तक इसने शासन किया है, यह जानकारी प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, नमस्कार, धन्यवाद।